हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शतरूपा। आज मैं आप लोग के साथ टर्मरिंड यानी कि इमली का फेस पैक का रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए आए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, आप लोग सोच रहे हो कि ये फेस पैक दिखाने की जगह बर्तन क्यों माँज के दिखा रही है। एक्चुअली बात यह है कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी शेयर कर रही हूँ। इमली एक ऐसा चीज़ है कि घर में हमेशा अवेलेबल रहता है, चाहे चटनी बनाने के लिए हो या पूजा पाठ का सामान साफ करने के लिए। तो पीतल का बर्तन साफ करने के लिए मेरे घर में ये हमेशा रहता है और उसके बाद मैं देखती हूँ कि हाथ एकदम चमकने लगता है, ग्लो करता है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि क्यों ना इसको फेस पे भी लगाया जा सकता है। तो मैंने नेट में भी सर्च किया, मुझे सच्ची में पता नहीं था। तो इस वीडियो में और ये फेस पैक में मेरा सच्ची में कोई टैलेंट नहीं है, मैंने खुद इसके बारे में नहीं जानती थी, मुझे नेट से पता चला। तो यहाँ पे मैंने इमली, बेसन, हल्दी और गुलाब जल ले लिया है। सभी चीज़ को मैं एक साथ पेस्ट करूंगी। पहले तो इमली को थोड़ा सा पानी में भिगो के मैं इसका पल्प निकाल लूंगी, फिर सब चीज़ को एक साथ मैं मिक्स करके फेस पैक बनाऊंगी, फिर मैं इसको फेस पे अप्लाई करूंगी। हल्दी, बेसन और गुलाब जल जो हम लोगों ने इस फेस पैक को बनाने के लिए यूज़ किया है, उसका जो बेनिफिट्स है वो मैं अलग से नहीं बोलना चाहती, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये तीनों चीज़ हम लोग के स्किन के लिए कितना अच्छा है। सिर्फ इस वीडियो में मैं टर्मरिन के बारे में बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी तरह शायद आप लोगों को भी पता नहीं था कि इमली से भी फेस पैक बनता है और वो कितना अच्छा है। इमली एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है, टैन रिमूव करने में हेल्प करता है, पोर्स को क्लीन करने में हेल्प करता है, स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, एक्ने होने से रोकता है और आपके स्किन में एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन ना हो उसके लिए भी हेल्प करता है। इस फेस पैक को आप लोग वीकली एक बार यूज़ कर सकते हो। और जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था उस दिन का ये वीडियो क्लिप है। उसके बाद मैंने और दो बार यूज़ किया है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरे स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं ये फेस पैक आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं अपने लेफ्ट हैंड पे फेस पैक को लगा रही हूँ और फेस पे और नेक एरिया पे तो मैंने लगा ही लिया है। मैं देखना चाहती थी कि कितना ये डिफरेंस लाता है। तो 20 मिनट तक मैं इसको रखूँगी, उसके बाद अच्छे से फेस को वॉश कर लूँगी और मैंने फेस वॉश भी यूज़ किया है। मैंने अच्छे से फेस को धो लिया है, फेस वॉश भी मैंने यूज़ किया है। आप लोग ग्लो देख सकते हो, डिफरेंस तो आया है आप लोग देख सकते हो और बहुत अच्छा लग रहा है। स्किन एकदम क्लीन हो गया है, ग्लो दे रहा है और दोनों हाथों पे डिफरेंस पूरा दिखाई दे रहा है। तो आप लोग डेफिनेटली इसको यूज़ करके देख सकते हो। इसके बाद मैं हिमालय का जो एलोवेरा जेल है उसको अपने फेस पे, नेक एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। तो डेफिनेटली ये फेस पैक बहुत ही अच्छा काम करता है। जिन लोगों का सेंसिटिव स्किन है आप लोग डायरेक्ट फेस पे मत अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा हाथों पे या पैरों पे अप्लाई करके देख सकते हो कि कैसा रिजल्ट दे रहा है, उसके बाद ही स्किन पे मतलब फेस पे अप्लाई करना। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।